अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली थी, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स स्पेशली ऑफ द नाइट्रोजिनस नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा जो है यह सेलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, जैसे हमने फिश में पढ़ा था कि किडनीज मौजूद हैं या रेक्टल ग्लैंड्स मौजूद हैं। इसके अंदर ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और इसने अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सिंपली डिफ्यूज आउट करना है। तो यहाँ जो है हाइड्रा के अंदर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, इसने अपने वेस्ट मटीरियल्स को डिफ्यूज आउट यानी डिफ्यूजन के जरिए आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रिलीज़ करना है, क्योंकि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है, कोई इसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी बॉडी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द आउटर एनवायरनमेंट और सिंपली इसने अपनी वेस्ट को डिफ्यूजन के जरिए थ्रू द जनरल सर्फेस आउटर एनवायरनमेंट में डाल देना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जो है ये थोड़ा सा हायर है, हाइड्रा से हायर एनिमल है और ये प्लेटीहेलमेंथस फाइलम से बिलोंग करता है। इनको फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। इनके अंदर सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। सिंपल ट्यूबुलर मीन ट्यूब्स की शक्ल में एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है और ये ट्यूब्स पूरी बॉडी में हैं इसके अंदर, फ्रॉम द इंटीरियर टू एक्सटीरियर सरफेस ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। और इस ट्यूब्स को हम प्रोटोनेफ्रिडियम बोलते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूबल्स, यानी इनका जो माउथ है ट्यूब्स का वो क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, विदाउट इंटरनल ओपनिंग। ये आप अगर अगली डायग्राम में देखें तो ये आपको प्लेन एरिया की ये डायग्राम है और उसकी बॉडी में पूरा ये ट्यूबुलर सिस्टम आपको नज़र आ रहा है और हर ट्यूब का एंड जो है वो क्लोज्ड होगा। सो इनको हम बोलते हैं कि क्लोज्ड ट्यूबुलर सिस्टम। ये सारी क्या है, प्रोटोनेफ्रिडियम है। पूरे सिस्टम को हम प्रोटोनेफ्रिडियम बोलेंगे। ट्यूबुलर सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप। अब यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेस हैं उनके एंड पर, ब्रांचेस के एंड पर एक कैप मौजूद है, सेलुलर सेटअप, वो है कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप। उनको हम बोलेंगे फ्लेम सेल्स। अब ये जो कैप है सेल्स की, सेलुलर सेल से बनी हुई, इसको हम बोलेंगे फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के पास टफ्ट ऑफ सीलिया होगा। जब ये सीलिया बीट करेंगे, आगे पीछे मूव करेंगे इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज़ द फ्लूइड ऑफ द बॉडी के अंदर, जब ये मूव करेंगे तो फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह नज़र आते हैं। इसी वजह से बीटिंग ऑफ द सीलिया जो है फ्लिकरिंग फ्लेम नज़र आएगा, इसलिए हम इन सेल्स को फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि वॉट आर फ्लेम सेल्स, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन शुरू होगा। ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड ब्रांचेस आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप टर्म्ड एज फ्लेम सेल्स। ईच फ्लेम सेल हैज टफ्ट ऑफ सीलिया हुज बीटिंग प्रोपेल्स इंटरस्टेशियल फ्लूइड इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम। जब ये सीलिया मूव करेंगे तो इंटरस्टेशियल फ्लूइड को कहाँ डाल देंगे, ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, और इनकी बीटिंग से आगे पीछे मूव करने से वो फ्लिकरिंग फ्लेम की नज़र आता है, इसी वजह से इनको फ्लेम सेल्स बोलते हैं। ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड जब यही फर्दर ट्यूब्स फिर किस में ओपन हो रही हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर और एक्सक्रीटरी डक्ट्स आउटसाइड द बॉडी यानी एक्सटीरियर बाहर की तरफ ओपन होंगी थ्रू नेफ्रिडियोपोर्स, यानी पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को इन इन सीलिया ने ऑफ द फ्लेम सेल्स कहाँ डाल दिया, ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब्स ने उसको दे दिया, ड्रेन कर दिया एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर और एक्सक्रीटरी डक्ट ने आउटसाइड द बॉडी इसको नेफ्रिडियोपोर्स के जरिए निकाल दिया। फ्रेश वाटर फ्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिल्यूटेड यूरिन है, यानी फ्रेश वाटर है तो ऑटोमेटिकली उन्होंने वाटर को एक्सक्रीट करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिल्यूटेड यूरिन होगा, उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। कुछ फ्लैटवर्म्स आपको पता है वो पैरासिटिक भी होते हैं। अब पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स की जो एनवायरनमेंट है वो आइसोटोनिक है अपने होस्ट के साथ, उन्होंने सिंपली नाइट्रोजिनस वेस्ट्स को डिफ्यूज़ आउट करना है बॉडी से।